हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे की नाइट से। हस्बैंड ने ऑफिस बहुत लेट खत्म किया था, उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट निकल गए थे बाहर ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था हम लोग इस वीकेंड पे दावत होस्ट करने वाले थे। सैटरडे हमारे घर आ रहे थे पाकिस्तान से मेहमान, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हारिस भाई और उनकी वाइफ ने आना था। और एक्चुअली ना ग्रॉसरी मुझे थोड़ी ज़्यादा इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैंने प्लान किया था कि जब मैं बना ही रही हूँ प्रॉपरली तो मैं ऐसे बनाऊंगी कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भेज भी सकूँ थोड़ा बहुत खाना। मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि मैं अंकल आंटी और सैमा शहबाज के घर भी कुछ बना कर भेजूँ, सो इसीलिए मैं फिर ज़्यादा चीज़ें ले रही थी। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये हैं घर पे रखी हुई हैं यार। कराची क्रंच, पहली बार मैंने कुछ कराची का यहाँ पे देखा है। नंबर वन इंडियन स्नैक ब्रांड, लेकिन बेच रहे हैं वो कराची क्रंच के नाम से। बट मुझे रिस्क नहीं लेना है ये लेके, क्योंकि इनके टेस्ट बहुत ब्लैंड होते हैं। बेन एंड जेरी कौन सी ले रहे हैं यार? देख रहा हूँ कुकी डो देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे लग रहा है कुकी डो नहीं है, तो फिर कोई भी कुकी वाली कोई भी लाइक वनीला फ्लेवर लीजिएगा। चॉकलेट और चीज केक, ना ना ना, ये कहाँ अच्छा लगेगा ब्राउनी या कुकीज के साथ। कैरेमल, नो, हेज़लनट इन बट चॉकलेट। आई हैव ऑब्सेशन विद ब्यूटीफुल कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं ना मुझे बस इनके साथ छोड़ दो, मेरा दिल चाहता है मैं खुद ही अपने आप को रोज एक कार्ड गिफ्ट करूं। गाइस, अभी हम लोग आए हैं KFC। हम ग्रॉसरी करने गए थे और फिर वहाँ से वापसी में बहुत लेट हो गया और मुझे जाके अभी कल की प्रिपरेशन भी करनी है, सो हमने सोचा कि हम KFC ट्राई करते हैं। द थिंग इज़ कि आप अगर UK में हैं तो आप KFC की ऐप डाउनलोड करें और उसके ऊपर वो गेम आता है उनका कोई, वो गेम खेलें एंड एट द एंड ऑफ द गेम अगर आप जीत जाते हैं तो वो कोई ना कोई आइटम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, यू नो मोस्टली। बट उसमें जो सबने आज तक इन्जॉय किया है वो चिकन रैप ही किया है। आई थिंक वो 3 या 4 या 5 pounds का मिलता है वैसे, लेकिन रैप जो है वो आपको फ्री मिल जाता है, तो आप आपको आपके ऑर्डर के साथ वो रैप फ्री मिलेगा। बट गेस व्हाट, हम लाइन में लगे हुए थे और हस्बैंड ने कहा चलो गेम खेलते हैं मेरी ऐप से मेरे फ़ोन पे। यू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम एंड यू कांट बिलीव दिस, इस आदमी ने वो जो गेम खेला हमने, तो हमें मिल गई एक चिकन की पूरी बकेट विथ 4 fries, लाइक 1 full bucket ऑफ चिकन जिसमें 5 या 6 pieces चिकन के हैं, फुल बिग साइज पीसेस एंड 4 fries आई थिंक, अनरियल। आई थिंक वो ऑर्डर अगर आप नॉर्मली ऑर्डर करें तो वो कोई 20 या 22 pounds का पड़ता है ना, हमें वो गिफ्ट में ऐसी फ्री में मिल गया। एंड देन फिर हमें जिंगर खाना था तो हमने अलग से एक एक जिंगर ऑर्डर कर दिया, सो अब हम एक्साइटेड हैं हमारा ऑर्डर आएगा और फिर हम वो खाएंगे। सो ये सारे फ्राइज हैं इतने सारे जो हमें उसमें मिल गए, साथ में ये बकेट, दिस इज फ्री, दीज फ्राइज आर फ्री, ये 4 fries हैं एंड देन हमने सिर्फ 2 zinger ऑर्डर किए हैं। मज़ेदार सा KFC एंजॉय करके, जो कि काफ़ी सारा बच गया था, और फिर हम घर लेकर आए उसको। हमने सारी ग्रॉसरी घर में आके जगह पे रखी और उसके बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी और मैं रात 2:30-3 तक कुकिंग करती रही थी। थकन तो मुझे ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूमे थे ग्रॉसरी वगैरह के लिए, और फिर फ्राइडे था तो फ्राइडे वैसे ही मेरी रूटीन थोड़ी टफ होती है। बट स्टिल मैंने डिसाइड किया कि मैं रात में ही मोस्टली सारी कुकिंग करके रख लूँगी ताकि नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम हो बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने का। एक तो गेस्ट वैसे भी लंच पे इनवाइटेड थे तो आपके पास वैसे ही सुबह उठ के ज्यादा टाइम नहीं होता है, और अगर मैं कुकिंग उस वक्त करने लग जाऊं तो फिर घर को मैनेज करना, टेबल सेट करना, ये सब काफी मुश्किल होता है।
इसलिए बस मैंने रात में ही सारी ऑलमोस्ट कुकिंग करके रख ली थी। बस मैंने अभी चिकन बनानी थी और बिरयानी को फाइनलाइज करना था। देर से सोई थी लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले नाश्ता कर लिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी टेबल डेकोरेट करने के लिए। ये फ्लावर्स मैं अपने साथ ही लेकर आई थी कल क्रॉसरी करते हुए, और मैंने मेक श्योर किया था कि जो भी मैं अपनी कलर कंट्रास्ट रख रही हूँ टेबल डेकोरेट करते हुए, मैं फ्लावर्स को उसी हिसाब से बाय करूँ। तो मैंने ये व्हाइट कलर के दो अलग अलग फ्लावर्स खरीदे थे। जो टेबल रनर है मेरा वो थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर का है, उस पे व्हाइट कलर की ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर के ही फ्लावर्स लिए थे। और जो मेरे दिमाग में आइडिया था, जैसे मैंने प्लान करना था, उस हिसाब से मैं कैंडल्स भी लेकर आई थी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलनी थी पर मैंने व्हाइट ही लिया था, बिकॉज मैं अपनी पूरी टेबल की थीम ग्रीन एंड व्हाइट में ही रखने वाली थी। टिश्यू नैपकिन्स बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरी कटलरी गोल्डनिश है इसलिए मैंने टिश्यूज भी वही लिए थे जिनपे थोड़ा गोल्डन टच और व्हाइट भी आए, ताकि सब चीजें एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ टेबल सेट्स करने में, मैं खुद लर्न कर रही हूँ विद ईच दावत और एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मेरा बस चले तो मैं बहुत ग्रैंड सी टेबल डेकोरेट करूँ, सेट करूँ चीजों को उसमें। मैं टेबल सेट कर रही थी, हस्बैंड ने वैक्यूम चलाना शुरू कर दिया था ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। मेहमान 2 बजे तक आ जाएंगे और लोग यहाँ पे मोस्टली वक्त की पाबंदी करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना था। एंड सो स्वीट ऑफ माई हस्बैंड, उन्होंने खुद ही होवर करना शुरू कर दिया था, मेरे बगैर बोले ही वो मेरी बहुत सारी हेल्प कर रहे थे, वरना डेफिनेटली मैं आज लेट हो जाती। अच्छा, ये जो कटलरी है ये मैं वॉश करके ही रखती हूँ हर दफा, बट निकालने से पहले एक दफा मैं उसको अच्छे से टॉवल से क्लीन कर रही थी ताकि उस पर कोई भी निशान ना हो। और बस हस्बैंड साथ साथ ये वैक्यूम कर रहे थे पीछे पीछे, और हम दोनों भाग भाग के अपने घर के सारे काम निपटा रहे थे। छोटी छोटी सी कैंडल्स लेकर आई थी, ये इजीली मिल जाती हैं कहीं से भी, मैंने एस्टा से ली थी कोकोनट फ्रेग्रेंस की। टू बी ऑनेस्ट फ्रेग्रेंस तो इनमें इतनी नहीं होती लेकिन ये लगती बहुत प्यारी है ऐसे रख के। एक्चुअली मैं टेबल अभी पहले से इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि जब मैं एक दफा किचन में चली जाऊंगी ना, फिर आई नो मेरा किचन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एंड में ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बहुत सुकून से करने वाला काम है। टेबल सेट हो गई थी अल्लाह का शुक्र। अब मैंने किचन में जाना था लेकिन किचन में हस्बैंड कर रहे थे वैक्यूम, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर मॉप करना शुरू कर दिया था ताकि हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करके सारे काम निपटा लें। किसी को दावत पे बुलाना एक टीम वर्क होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरत ने ही काम लग के करना है या सिर्फ मर्द ने करना है। वैसे भी यहाँ पे कोई हेल्प आपके पास नहीं है, ना ही कोई कुक शेफ है और ना ही आपके पास कोई हाउस हेल्प है, आप ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और ना मजा भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और कोई ना कोई आपको एज अ कपल एक्टिविटी मिल जाती है करने के लिए। घर के सारे काम करने के बाद बारी आ गई थी मेरी किचन में घुसने की। वैसे मुझे तसल्ली इसलिए थी क्योंकि मैंने मोस्टली सारे खाने बनाए हुए थे, बस अभी मैंने इस वक्त गार्निशिंग करनी थी, सैलेड रायता वगैरह बनाना था और बिरयानी के राइस बना के दम लगाना था। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी अपने ड्रम स्टिक्स से। रात को मैंने ड्रम स्टिक्स बाहर निकाल दिए थे ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाएं, सुबह मैं अभी उनको अच्छे से वॉश कर लूंगी। उसके बाद मैं आज ट्राई करने वाली थी एक न्यू डिश, आई मीन डिश तो पुरानी है लेकिन मैंने आज तक अभी ट्राई नहीं की थी। जी मेरी फ्रेंड साइमा ने बोला था कि लजीजा का जो ब्रोस्ट मसाला मिलता है वो बहुत अच्छा है, उसको ट्राई करो, बहुत यमी ब्रोस्ट बनता है। और मेरा ना बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था वो जो कराची ब्रोस्ट का ब्रोस्ट होता है ना, वो ट्राई करने का, खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन वॉश कर ली थी, उसके बाद जो पैकेट की रेसिपी लिखी हुई थी ना वो मैंने डिटो कॉपी की थी, कोई उसमें चेंजेस नहीं किए थे, पहली बार बना रही थी इसलिए। एक टिप यहाँ पे मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जब भी कोई भी दावत प्लान करे ना, खाना तो एक रात पहले प्रिपेयर कर ही लें, लेकिन उसके साथ जो बर्तन है ना वो हाथ के हाथ क्लीन करते जाएं और कोशिश करें कम से कम बर्तन यूज करें। आई नो टाइम बहुत कम होता है उस वक्त, ज्यादा जल्दी होती है, टेंशन होती है काम करने की, लेकिन ये एक
बहुत प्रो टिप है और इससे मेरी बड़ी हेल्प हो जाती है, वरना मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं इतने से किचन में गंदे बर्तन संभाल के रखूं, कुकिंग करूं या जो चीजें प्रिपेयर कर रही हूं उनके लिए जगह बनाऊं। खैर, चिकन बॉईल करने के बाद मैं अब बिरयानी के लिए राइस सोक कर रही थी ताकि कम से कम ये 50 मिनट से 1 आवर तक सोक रहे और फिर मैं इनको बनाऊं। राइस मैं कोहिनूर के सिल्वर यूज करती हूं, ये बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू अदर राइस ब्रांड्स, लेकिन बहुत अच्छा लंबा खिला खिला खुशबूदार चावल बनता है, तो इसीलिए मैं यही यूज करती हूँ। मैं लाइफ में पहली बार लजीजा का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैंने कभी इनकी कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए, इसलिए मैं बहुत श्योर थी मैं स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करूँ। एज पर रेसिपी आपने ड्रम स्टिक्स या जो भी आपके चिकन पीसेस हैं उनको थोड़े से पानी में, लाइक बस इतना कि वो थोड़े से बॉयल हो जाए और पानी उसी में ड्राई हो जाए, आपने उनको हाफ कुक कर लेना है ताकि उनका जितना भी मॉइस्ट है अंदर का वो सब लॉक हो जाए चिकन के अंदर ही और चिकन ड्राई ना बने। साथ में एक कप या उससे थोड़े से कम पानी में आपने इसका पूरा पैकेट डाल देना है मसाले का, उसको अच्छे से आप घोल लें, कोई गुठली ना हो। चिकन का पानी जब एवेपरेट हो जाए या चिकन आपको हाफ डन लगने लगे तो बस फिर आप इसमें डाल दें और उसको आधे से एक घंटे तक छोड़ दें। जब तक चिकन बॉईल होगी मैं सैलेड बना लूंगी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे सैलेड कटी कटाई धुली धुलाई मिलती है, आप वो यूज कर सकते हैं। वैसे सैलेड खुद भी बनाई जा सकती है लेकिन मुझे ये वाली सैलेड पसंद बहुत ज्यादा है तो मैंने इसको भी यूज कर लिया था और साथ में और चीजें खुद भी काट के ऐड कर ली थी। काफी अच्छी सी हेल्थी सी सैलेड मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पे मोस्टली ज्यादा सैलेड का कल्चर है और वैसे भी हम लोगों को पसंद है और सर्व करने में भी अच्छी लगती है। आपके जो दावत का स्प्रेड है उस पे एक हेल्दी आइटम भी ऐड हो जाता है। कलरफुल सी सैलेड हमेशा ही अपीलिंग लगती है। जितनी देर में सैलेड बनी थी बस उतनी ही देर में ये चिकन हो गई थी, इसको पूरा नहीं बॉईल करना था। उसके बाद मैंने इसको इस जो बैटर बनाया था उसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, एक चीज जो मैंने फील करी, आई थिंक उन्होंने रेसिपी में जो पानी की क्वांटिटी बताई वो बहुत सारी चिकन के लिए बताई है, क्योंकि मुझे लगा था कि पानी थोड़ा ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं जब इतनी क्वांटिटी की चिकन बनाऊंगी तो पानी आधे कप से ज्यादा नहीं लूंगी मसाले का बैटर बनाने के लिए। सेकेंडली फिर मुझे इसमें लगा क्योंकि अब पानी ज्यादा हो गया है तो कोटिंग सही से नहीं आएगी, फ्लेवर्स नहीं आएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें मिर्चें ऊपर से थोड़ी ऐड करी थी, काली मिर्च और लाल मिर्च। एंड डोंट वरी, मैंने इसको हाथ से मिक्स करने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धोए थे। इतनी सारी बातें कर ली और आप लोगों को मेन्यू तो आज का बताया ही नहीं। आज मैं बना रही थी कीमा, आलू कीमा, उसके साथ थी चिकन कढ़ाई जो पिशावरी चरसी कढ़ाई होती है वो, साथ में थी बीफ बिरयानी और ये ब्रोस्ट एंड फ्राइज बना रही थी मैं। आलू कीमा, बिरयानी का मसाला और कढ़ाई मैं रात में ही डन करके सोई थी, बस अब इस वक्त मैंने उनको गर्म करके फ्रेश करना था, गार्निशिंग ऊपर से करनी थी। बिरयानी राइस के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था, साथ में आलू कीमा की गार्निशिंग हो गई थी, अब मैं कढ़ाई की गार्निशिंग भी कर दूंगी। और इस वक्त ना मेरे बस दोनों हाथ तेजी तेजी से चल रहे थे। हारिस भाई का मैसेज आ गया था, वो लोग निकल गए थे और 50 मिनट्स में आने वाले थे। मैंने अभी कैंडल्स भी बर्न करनी थी, घर का एक फाइनल लुक करना, वॉशरूम को थोड़ा सा नीट क्लीन करना था, प्रेजेंटेबल बनाना था, खाने की चीजें प्रिपेयर करके रखनी थी और खुद भी रेडी होना था, इसलिए बस फटाफट हाथ चल रहे थे मेरे। मेरी कोशिश होती है गेस्ट के आने से पहले टेबल सेट हो, खाना बस मैंने सर्व करना हो और वो इतना गर्म हो कि मुझे दोबारा से उसको गर्म ना करना पड़े और मैं किचन को एक दफा प्रेजेंटेबल फिर से बना लूं। क्योंकि वैसे भी खाना सर्व करने के बाद जब आप बर्तन उठाते हैं और गंदी डिशेस होती हैं तो वैसे भी आप किचन को उस वक्त प्रेजेंटेबल तो नहीं बना सकते बिल्कुल भी, और जब आप ही हैं अकेले घर के अंदर, होस्ट भी आप हैं, कुक भी आप हैं, क्लीनर भी आप ही हैं, तो फिर आपको गेस्ट को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है। कंटिन्यूसली तो किचन में नहीं रह सकते, इसलिए जब वो घर में इंटर हो तब एटलीस्ट आपका किचन प्रेजेंटेबल हो, साफ सुथरा हो, बाद में तो फिर उसका बेड़ा अगर खोना ही है। सारी चीजें फाइनल करते हुए मैंने रायता भी बना लिया था। वैसे मैंने हरे मसाले का रायता बनाया था ग्राइंड करके, लेकिन उसके साथ मैंने उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला भी डाला था। जरूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जो देसी होटल्स में रायता मिलता है ना पाकिस्तान में, वैसा टेस्ट आ जाता है। राइस का पानी बॉयल हो गया था, उसमें राइस ऐड कर दिए और अब जल्दी से मैं अपनी सारी कैंडल्स बर्न करूंगी ताकि गेस्ट आए तो घर में अच्छे से खुशबू आ रही हो और टेबल मेरी बिल्कुल फाइनल हो, बस मैंने खाना निकाला।
निकालना हो। आज मैंने अपनी कैंडल भी न्यू निकाली थी जो मैं सऊदीया से लेकर आई थी बाथ एंड बॉडी की। ये बेसिकली वाइट रोज फ्रेग्रेंस की है और क्योंकि मैंने वाइट रोज ही लगाए हुए थे तो मैंने सोचा कैंडल भी ऐसी ही हो ताकि वो पूरा अरोमा मेरे सेटअप के साथ जाए। मेरा बस चले तो मैं बहुत ही ग्रैंड टेबल सेट करूँ और बहुत खर्चा करूँ इसके ऊपर, लेकिन डेफिनेटली अभी हम लोग अभी नए नए यहाँ पर आए हैं, इतना अभी सेटल नहीं हुए। ग्रेजुअली एंड स्लोली चीज़ें बेहतर होंगी और हो भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जितना बजट था उसमें जो बेस्ट कर सकती थी वो मैंने बिल्कुल किया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। बस अब वक्त कम और मुकाबला बहुत सख्त था और ये आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में ना मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा था यूजुअल टाइम से ज़्यादा, क्योंकि आपको ट्राइपॉड सेट करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट करना होता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। बट मैंने जैसे तैसे मैनेज किया आप सबको दिखाने के लिए। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो दावत व्लॉग्स बहुत इन्जॉय करते हैं, इसी बात पर आप लोग लाइक कर दिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है। लास्ट काम था बस मेरा बिरयानी को दम पे लगाना, तो वही मैं कर रही थी। साथ साथ मेरी चिकन सारी फ्राई होती जा रही थी। आई ट्राइड कि मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊं पर ये सही नहीं बनी थी, तो फिर मैंने इसे डीप फ्राई ही कर लिया था। और ये सारे काम करते करते ना मैं बस भागते दौड़ते तैयार होने के लिए गई थी और फौरन ही गेस्ट आ गए थे। मुझे एकदम से याद आया कि आप लोगों को मैंने तैयार होके तो दिखाया ही नहीं, इसलिए मैं रूम में आके जल्दी से ये रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने पहना था खादी का ये कुर्ता, साथ में खादी का ही ट्राउजर था। इसके साथ एक्चुअली शिफॉन का थोड़े ब्राइट कलर का हिजाब था, लेकिन गर्मी थी और मैंने किचन में जाना था इसलिए मैंने अपना लिलन का हिजाब ही मैच कर लिया था। ये मुझे मेरी बाजी ने गिफ्ट किया था जब मैं पाकिस्तान गई थी, और फ्लोरल प्रिंट था और साथ में थोड़ा तिल्ली का काम जो होता है वो भी बीच बीच में हुआ हुआ था। खैर, यहाँ पे मेरी चिकन बन रही थी, साथ में एयर फ्रायर में फ्राइज बन रहे थे और मैंने गेस्ट को सबसे पहले जूस सर्व किया था। यहाँ समर्स हैं और वो लोग बहुत दूर से आए हुए थे दूसरे सिटी से, तो ठंडा ठंडा मैंगो जूस किसे बुरा लगेगा। खैर, उसके थोड़ी देर बाद मैंने खाना सर्व कर दिया था और ये था मेरा दावत स्प्रेड। माशाल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा बना था, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज टाइम पे बन गई थी, गेस्ट को भी खाना बहुत मजे का लगा था, बस दिल खुश हो गया था, मेहनत मेरी सारी वसूल हो गई थी। नहीं नहीं बहुत है, बहुत शुगर का, बहुत शुगर की बात हो रही है तो मीठा कैसे रह सकता है। बट इस बार मैंने स्वीडिश पे कोई मेहनत नहीं की थी, सब कुछ बाहर का ही था। ब्राउनीज लेकर आई थी, उनको थोड़ा सा गर्म करके उसके ऊपर आइसक्रीम स्कूप्स रख दिए थे और साथ में मैं ये टॉफी एंड कैरेमल पाइज लेकर आई थी। हारिस भाई हाय मारो खाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत जी हो गई, अच्छे से सुकून से हो गई। अभी बस हम नीचे ने सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे, लाइक हस्बैंड तो अभी तक उन्हें सी ऑफ कर रहे हैं, मैंने कर लिया तो सोचा आप लोगों से बात कर लूं। सब कुछ बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था सब कुछ, और मैंने सोचा था थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी उन सब के साथ बैठ के, लेकिन यू नो जब आप किचन में होते हैं काम भी कर रहे होते हैं देन इंटरटेन भी कर रहे होते हैं गेस्ट को, तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा सकूं। दावत तो हो जाती है बट उसके बाद के सारे काम समेटते समेटते ना मुझे रात हो चुकी है, और ये सारे बर्तन हैं जो मैंने वॉश किए हैं देखें ज़रा, उसके बाद यहाँ बर्तन हैं जो काफ़ी सारे हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ भी बर्तन हैं जो पूरे भरे हुए हैं। अच्छा, ये वाले बर्तन तो मोस्टली हस्बैंड ने वॉश करें, उन्होंने हेल्प कर दी थी, मैंने सारे जो ग्रीसी पतीलियाँ वगैरह होती हैं वो साफ़ की हैं, एंड स्टोव बहुत ज़्यादा ऑयली चिकना हो गया था वो सब साफ ऑफ किया। जितने भी मेरे किचन के टॉवल्स वगैरह या क्लोथ्स हैं जो यूज़ हुए हैं वो सब मैं अभी मशीन में लगा दूँगी। मॉपिंग वगैरह अब मैं कल करूँगी, इस वक्त थक गई हूँ, और ये बिरयानी है जो भी मैं इन्जॉय करूँगी अपनी। बस अब मैं सुकून से पीसफुली सो सकती हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन आफ्टर दावत। मैं बता नहीं सकती मेरे किचन का क्या हाल हुआ हुआ था, क्योंकि गेस्ट को इंटरटेन भी करना होता है, सो आप बार बार किचन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, बट अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ शाइनिंग नाउ, अब सुकून से सोएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। लेट उठे, लेट सारे काम करे,
बर्तन वगैरह सब मैंने जगह पे रख दिए हैं। ये मैंने अभी इस्तरी करी है, सो इसको जगह पे रखेंगे। ये वो सारा खाना है जो मैंने पैक कर लिया, सामा शहबाज़ और आंटी के घर देना है। मैंने बताया था लोगों की थोड़ा ज़्यादा कुक करूँगी ताकि सबको दे दूँ। रात इतना लेट हो गया था कि रात तो नहीं दे पाए, बट सुबह सुबह अब जाके ये देंगे आज। ये सारे किचन के कपड़े ना, ये जितने भी मेरे किचन टॉवल्स वगैरह हैं, किचन क्लोथ्स हैं, ये सब धुल के जगह जगह फैले हुए हैं। मैं कर रही थी सुबह ब्रेकफास्ट और लेफ्ट ओवर फूड ही यूज हो रहा था। मुझे याद आया मैंने आप लोगों को इस चिकन का रिव्यू तो दिया नहीं कि ये कैसी बनी थी, सो मैं ब्रेकफास्ट में इसे ही एंजॉय कर रही थी तो आप लोगों को रिव्यू भी देने लगी। बहुत मजे की बनी थी सरप्राइजिंगली, और मुझे लग रहा था कि सही से कोटिंग नहीं लगी होगी क्योंकि पानी थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट कोट बहुत अच्छे से हुआ था ये, और बहुत अंदर से जूसी बना था। तो डेफिनेटली आप लोग लजीजा का ब्रोस्ट ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर जैसा ब्रोस्ट ही बनेगा। अच्छा, कल ये लोग हमारे लिए प्रेजेंट भी लेकर आए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस लेकर आए हैं पाकिस्तान से ही, मिराना। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, मैं आप लोगों को डिटेल में कभी दिखाऊंगी। पूरा ओपन शर्ट है नीचे तक, लॉन्ग शर्ट है, वेरी स्टाइलिश। आई थिंक मिराना इज़ सम बुटीक इन डी एच, आई डोंट नो। एंड उसके अलावा ये एक परफ्यूम है मेरे लिए, ये जीन फ्रेग्रेंसेस का है, जीन ब्रांड का। एंड ये हस्बैंड के लिए अल्फा मैन फ्रॉम ईडन रोप। सो थैंक यू सो मच हारिस भाई एंड माहरुख फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी दावत की टेबल कैसी लगी। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। जल्दी एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।